इफ एक्स इक्वल टू 2 + √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो x का वैल्यू है 2 + √3। अब हम लोग फाइंड करेंगे 1/x का वैल्यू। ठीक, तो 1/x इक्वल टू देखो कितना होगा, 1/x इक्वल टू होगा 1/2 + √3, है ना। इसको रैशनलाइज करते हैं तो 1/x इक्वल टू होगा 1/2 + √3 है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 - √3 से। तो 1/x इक्वल टू होगा ऊपर में 2 - √3 है, नीचे में a + b * a - b, मीन्स a² - b² तो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर होगा। तो 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 2 - √3 रहेगा ऊपर में, नीचे में होगा 4 - 3, 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3। तो 1/x का वैल्यू कितना मिल गया, 2 - √3, नीचे हुआ नहीं लिखेंगे। तो x का वैल्यू है 2 + √3, 1/x का वैल्यू है 2 - √3। तो हम फाइंड करते हैं x + 1/x का वैल्यू। तो x + 1/x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 2 + √3 + 1/x का वैल्यू 2 - √3 आया ना, 2 - √3, तो +√3 - √3 कैंसल, x + 1/x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, x + 1/x का वैल्यू 4 आ गया। अब इसका फार्मूला लाते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। तो देखो लिखते हैं फार्मूला, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab * a+b, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम लोग x + 1/x का फार्मूला अगर पुट करना चाहेंगे तो ये होगा x³ + 1/x³, ठीक है, +3 × x * 1/x × x + 1/x, ये होगा, ये x और x कट गया। अब x + 1/x का जो वैल्यू आया था ना 4, वो यहाँ रखेंगे। x + 1/x का वैल्यू रखेंगे 4, तो ये होगा 4³ = x³ + 1/x³, ठीक है, +3 × ये तो कट गया, x + 1/x मतलब 4। तो x ये होगा कितना, 4³ = x³ + 1/x³ + 12। यहाँ से हम लोग आराम से x³ + 1/x³ का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो हो जाएगा 64 और -12 मीन्स 52। x³ + 1/x³ का वैल्यू कितना आ गया, 52, यहाँ लिख देंगे, दिस इक्वल टू 52। ओके,